Hello friends, this is the second clip on admission of a partner. This is the second clip. Clip number second. ठीक है? अब इसके अंदर थोड़ा सा पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे. तो हमें कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, उसके पहले बैलेंस शीट में क्या दिया होगा, व्हाट इज गिवेन इन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में क्या दिया होगा, तो हमको एज ऑन एडमिशन डेट बैलेंस शीट दिया होगा. जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उसके जस्ट आने के पहले बैलेंस शीट क्या था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट. उसके बाद में दिया होगा इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो बैलेंस शीट दिया होगा और उसके बाद में एडजस्टमेंट दिया होगा. अब हमको कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. कौन कौन से लेजर अकाउंट हमको बनाने हैं, तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट. ठीक है, जिसके अंदर जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी में एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ होगा वो रिकॉर्ड होगा. फिर हम लोग बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट. इसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये जो बैलेंस शीट सब में दिया हुआ है उसको हमने नाम दिया है ओल्ड बैलेंस शीट, और जो हम आंसर के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे उसको बोलेंगे न्यू बैलेंस शीट. ये जो बैलेंस शीट बनेगा वो आफ्टर एडमिशन बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. ठीक है, तीसरा जो अकाउंट बनेगा कैश बैंक अकाउंट. अगर कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट बनाएंगे और बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक अकाउंट बनाएंगे. फोर्थ नंबर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर तीनों आ जाएंगे, मतलब पहले के दो ओल्ड पार्टनर और उसके बाद में प्लस न्यू पार्टनर. और फिर बनेगा गुडविल अकाउंट. ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमको मतलब सम के अंदर हमको ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिया होगा, और आंसर के लिए हमको कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट. ठीक है, अब हम लोग कुछ स्टेप्स दिमाग में रखते हैं कि सम स्टार्ट कैसा करेंगे. स्टेप्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है
मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दिया होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया होगा, गुडविल दिया होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसको हम क्या करेंगे, कैश का कैश के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, गुडविल का गुडविल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैश असेट्स होता है इसलिए असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख देंगे कैश के। कैपिटल लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसे कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे। गुडविल होता है असेट्स, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, इसे डेबिट साइड लिख देंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व दिया होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, एग्जांपल के लिए जनरल रिजर्व दिया होगा, रिजर्व फंड दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा। अब ये सब क्या है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है। अगर ये लायबिलिटी साइड दिया होगा तो प्रॉफिट है, और ये असेट साइड दिया होगा तो लॉस आएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला स्टेप है ट्रांसफर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। सेकेंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, मतलब एक पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और तीसरा स्टेप, जैसा ऐसा एडजस्टमेंट दिया होगा उस एडजस्टमेंट को रीड करते 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 हम इफेक्ट देते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डू एज पर एडजस्टमेंट गिवन, डू एज पर द एडजस्टमेंट गिवन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास सम के अंदर क्या दिया होगा, ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, और हमको कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। और जैसे हम लेजर अकाउंट बना देंगे तो हमको तीन स्टेप में सम सॉल्व करना है। पहला स्टेप है ट्रांसफर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैपिटल एंड द गुडविल। सेकेंड स्टेप है जो भी हमारे पास रिजर्व होंगे वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे, और उसके बाद में एडजस्टमेंट जैसा होगा वो करते जाएंगे। और एडजस्टमेंट में क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, अब अगर आप देखो तो एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास मोस्टली जो सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, बराबर, कैपिटल ब्रॉड बाय इनकमिंग पार्टनर। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसकी जर्न एंट्री क्या होगी, तो फर्म के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये कैश कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर, समझो न्यू पार्टनर का जो भी नाम होगा, मिस्टर एंथोनी, मिस्टर सी, वो लिख देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग
कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर मतलब मिस्टर सी या मिस्टर एंथोनी। फिर जो दूसरा एडजस्टमेंट होगा वो होगा गुडविल का, तो गुडविल के मैंने दो टाइप बताए थे आपको, या तो गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लाएगा या कैश में नहीं होगा, नॉट इन कैश, जिसको हम लोग ने नाम दिया था रेस्ट, ठीक है। अब अगर कैश में लाया है तो दो जनरेटी पास होगी, पहली जनरेटी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरी जनरेटी है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझो ओल्ड पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, एस कैपिटल बीस कैपिटल, कौन से रेशो में, इन सेक्रीफाइस रेशो। हाँ, अगर सम में सेक्रीफाइस रेशो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर गुडविल रेस्ड है नॉट इन कैश है तो पहली जनरेटरी आपको नहीं पास करनी है, लेकिन दूसरी जनरेटरी आपकी यही होगी सेम टू सेम, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन यहाँ पे गुडविल ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ याद रखना है कि गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर है, मतलब यहाँ पे गुडविल खाली न्यू पार्टनर का आपको लेना है, और यहाँ पे गुडविल नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इसलिए गुडविल ऑफ द फर्म लेना है, एक गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर है, यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म है, ये सेक्रीफाई रेशो है और एक ओल्ड रेशो है। इस सब में देखो या इस पॉसिबिलिटी में देखो तो गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है, इस पॉसिबिलिटी में गुडविल अकाउंट टैली नहीं होता है, इससे गुडविल का बैलेंस आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये जब गुडविल कैश में होता है तो गुडविल विड्रॉन ओल्ड पार्टनर कर सकते हैं, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री कैसा, देखो अभी आपके पास से कैश जा रहा है, मतलब फर्म में से कैश जा रहा है, और कौन लेके जा रहा है, ए और बी, तो एंट्री क्या होगा, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर ये बोला होगा तो ही करना है, और यहाँ पर देखो तो गुडविल टैली नहीं हुआ है, तो गुडविल को बाद में अगर सम में बोला है कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल टू गुडविल, गुडविल अकाउंट को आपको क्लोज कर देना है, टैली कर देना है, इसका मतलब ये गुडविल अकाउंट कैंसिल हो जाएगा इन न्यू रेशो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लास्ट लेक्चर में जो भी पॉसिबिलिटी था हमने वापस से थोड़ा क्लियर किया, साथ साथ में कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, किस तरह से सम सॉल्व करने हैं, और जो एट द मोस्ट बार बार एडजस्टमेंट आता है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर तो कैश टू न्यू पार्टनर, तो कैश के डेबिट में जाके टू न्यू पार्टनर लिखेंगे, और न्यू पार्टनर के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश। फिर गुडविल है कैश टू गुडविल, कैश के डेबिट में टू गुडविल, और गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश। फिर है गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो गुडविल के डेबिट में टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और कैपिटल में बाय गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट यहाँ पर टैली हो जाता है। और इस केस में गुडविल टू एज एंड बीज कैपिटल लिखेंगे तो गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा, तो गुडविल का बैलेंस कहाँ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। गुडविल विड्रॉन में देखो कैपिटल के डेबिट में टू कैश,
और कैश में लिखेंगे बाय इज कैपिटल बी इज कैपिटल, कैश इज गोइंग आउट। तो यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो कैपिटल के डेबिट में टू गुडविल और गुडविल क्रेडिट में बाय इज कैपिटल बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल, गुडविल अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा अगर रिटर्न ऑफ है तो। ठीक है, इसके अलावा और थर्ड वन क्या हो सकता है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब असेट्स की नई वैल्यू दी होगी या लायबिलिटीज की नई वैल्यू दी होगी। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी असेट्स था वो ओल्ड डेट का है, एडमिशन डेट पे उस असेट्स का नया वैल्यू कितना दिया है तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे लैंड दिया था 3 लाख और यहाँ पे लैंड दिया हुआ है 7 लाख, तो 3 लाख से नया क्या हो गया 7 लाख हो गया, तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4 लाख का, तो 4 लाख कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जैसे बताया था कि या तो असेट्स अप होगा या तो डाउन होगा, अप होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाए क्योंकि इंक्रीज इन असेट्स मतलब इनकम टू द फर्म। ठीक है, एक बार वापस से यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज को। अगर ये समझो कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट मतलब ही होता है गेन। तो जब असेट्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन असेट्स, वो क्रेडिट में आएगा, और जब डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगा वो कहाँ जाएगा क्रेडिट में। अरे दोनों केस में फर्म को क्या हो रहा है गेन हो रहा है, असेट्स की वैल्यू अप हो गई इसका मतलब ही गेन हुआ, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुआ इसका मतलब ही गेन हुआ। और जो भी डिक्रीज इन असेट्स होगा, असेट्स की वैल्यू डाउन होगी इसका मतलब फर्म को लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा, और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होता है इंक्रीज इन लायबिलिटीज तो इसका मतलब ही फर्म को लॉस हो रहा है वो भी डेबिट में आएगा। तो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आपका एडजस्टमेंट दिया होगा। तो हम लोग एक सम चालू करते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सम कैसा आता है, कौन से लेजर अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं और किस तरह से उसको क्लोज करते हैं। Here we are starting the first sum on admission of a partner. मतलब हम practical aspect पे आ गए हैं, already हमने theory discuss कर लिया है। तो देखो हम sum में read करते हैं कि सुरेश and रमेश are partners in a business sharing balance sheet as on 31st March 2013 is as follows. यहाँ पर कैपिटल आप सुरेश 50,000, रमेश 24,000, तो हो गया 74,000, क्रेडिटर्स 57,000, बिल्स पेबल 20,000, रिजर्व फंड दिया हुआ है 9,000। तो रिजर्व फंड क्या है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। असेट्स इन बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर्स लेस आरडीडी स्टॉक बिल्स रिसीवेबल कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। दे एडमिटेड कैलाश, तो कैलाश कौन है, न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2013 एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैलाश विल ब्रिंग 30,000 कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 12,000 एज गुडविल विच विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो कैलाश विल ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, इसका मतलब कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में आ रहे हैं, मतलब गुडविल इन कैश है साथ साथ में गुडविल विड्रॉन भी है, तो वो बात की बात है। फर्स्ट हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुडविल कैश में उसकी दो एंट्री पास करनी है।
स्टॉक एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, 10% से कम हो गया। आरडी इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, तो जो 5% है ऑन डेटर्स हमेशा एक ग्रॉस अमाउंट पे निकालेंगे। बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% और फर्नीचर इज रीवैल्यूड 10,000, फर्नीचर का नया वैल्यू कितना हो गया 10,000, फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू है 9,500, नया वैल्यू है 10,000, इसका मतलब 500 से इंक्रीज हो गया। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बराबर। अब देखो इस सम में अगर आप देखो तो कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि सुरेश और रमेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेंगे 1:1, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बैलेंस शीट दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट, और नीचे एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल गुडविल और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इन असेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। अब इस सम को देख के हमको लेजर अकाउंट बनाना है, तो हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेजर अकाउंट बना दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में बोलते हैं, पर्टिकुलर रुपीस, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। न्यू बैलेंस शीट है जो आफ्टर एडमिशन है, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन एज ऑन 1st April 2014। बैलेंस शीट का जो डेट है 1st April 2013 है, 31st March 2013 है, तो डेट हो जाएगा 1st April 2013। लाइबिलिटीज इनर आउटर कॉलम, असेट्स रुपीस, बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक अकाउंट दिया है, पार्टनर्स कैपिटल में सुरेश रमेश कैलाश, न्यू पार्टनर भी आ गया, पर्टिकुलर सुरेश रमेश कैलाश और गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वर्किंग नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस सम को हम सॉल्व करते हैं। जैसे बताया था कि हमारे पास जो स्टेप्स थे हमने बनाए हुए है, पहला स्टेप क्या है कि जिसके लेजर अकाउंट है, जिसके ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, उसके बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस अवेलेबल है और कैश का बैलेंस अवेलेबल है, तो उसका बैलेंस लिख लेंगे। तो कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो अभी कैपिटल अकाउंट के अंदर सुरेश का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और रमेश का ओपनिंग बैलेंस है 24,000 और कैलाश का ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं क्योंकि वह अभी आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 33,000, असेट साइड है तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, तो टू बैलेंस बीडी, थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड रिजर्व होगा या एसेट साइड में, तो इस समय देखो हमारे पास लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दिया हुआ है 9,000, जो ओल्ड पार्टनर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट 4,500। इस सब में रेशो क्या है 1:1 है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो 4,500 हमने लिख दिया। ये होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है
डू एज पर द एडजस्टमेंट, जैसा एडजस्टमेंट बोला होगा हमको उस तरह से करते जाना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था कि कैलाश विल ब्रिंग कैपिटल 30,000 एंड गुडविल 12,000। तो कैपिटल 30,000 लाया, तो जैसे हमको पता है कि कैपिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री क्या आती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, कैलाश। तो बैंक में जाके लिखेंगे टू कैलाश, तो बैंक में जाके लिखेंगे टू कैलाश कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट दिया है 30,000 और कैलाश में जाके लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कैलाश के अंदर 30,000। ठीक है, अब गुडविल लेके आ रहा है 12,000। तो गुडविल की एंट्री हमने देखा था कि गुडविल अगर रिटेन है तो उसकी पहली एंट्री क्या आती थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में कौन है, सुरेश और रमेश है। ठीक है, तो अभी बैंक के अंदर जाके लिखेंगे टू गुडविल ट्वेल्व थाउजेंड और गुडविल में जाके लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 12,000। ठीक है, बैंक के अंदर टू गुडविल, गुडविल में के अंदर बाय बैंक, ये फर्स्ट हो गया बैंक टू गुडविल। अब क्या है, गुडविल टू सुरेश एंड टू रमेश, तो गुडविल के अंदर टू कैपिटल अकाउंट सुरेश और रमेश, गुडविल कितना है 12,000। तो 12,000 को हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। इस सम में आप सेक्रीफाई रेशो कुछ मेंशन नहीं किया है, निकाल नहीं सकते हैं, तो ओल्ड रेशो में ही किया, 1:1 है, तो 6,000। ये हो गया गुडविल के अंदर टू कैपिटल, कैपिटल के अंदर बाय गुडविल अकाउंट 6,000। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट आपका क्या हो गया, टैली हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि विच विल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, विच विल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर ने इसको विथड्रॉन कर लिया, तो मैंने क्या बताया था कि जब गुडविल विथड्रॉन होता है तो हमारे पास से, मतलब फर्म के पास से पैसे जाएंगे, और पैसे कौन लेके जा रहा है, ओल्ड पार्टनर सुरेश और रमेश। तो सुरेश और रमेश में जाके लिखेंगे टू बैंक, सुरेश और रमेश में जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और टोटल गुडविल विथड्रॉन है, तो सुरेश को 6,000 मिला था, 6,000 लेके चला गया, रमेश को 6,000 मिला तो रमेश 6,000 लेके गया, कल को हाफ लेके जाते हैं तो इसका हाफ 3,000 आता। तो कैपिटल में टू बैंक लिखा, बैंक के अंदर बाय कैपिटल अकाउंट सुरेश 6,000, रमेश 6,000, ये हो गया 12,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है स्टॉक एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, 10% से कम हो गया, इसका मतलब असेट्स कम हुआ, मतलब लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और इस स्टॉक की वैल्यू दिया है 30,000, 10% मतलब 3,000, और मशीनरी की वैल्यू दिया है 10,000, तो 10% मतलब 1,000, तो
स्टॉक और मशीनरी रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक 30,000 का 10% मतलब 3,000 टू मशीनरी है 10,000 का 10% 1,000, ठीक है। उसके बाद लिखा है आरडीडी टू बी में 10.5% ऑन डेटर्स, आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स है 40,000, 40,000 का 5% निकालेंगे तो होता है 2,000, मतलब नया आरडीडी 2,000 है और पुरानी आरडीडी है 1,000, तो 1,000 डाउट था, अब नए हिसाब से 2,000 डाउट हो गया, तो 1,000 से आरडीडी और इंक्रीज हो गई, डाउट और इंक्रीज हो गया 1,000 से, तो इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है, डाउट इंक्रीज मीन्स लॉस बाय 1,000। फिर बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20% है और बिल्डिंग यहाँ पे 30,000, तो 30,000 का 20% हो गया 6,000, तो 6,000 से एप्रिसिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकम हो गया बाय बिल्डिंग अकाउंट 30,000 का 20% कितना हो गया 6,000। फिर लिखा है फर्नीचर इज 10,000 और फर्नीचर पुराना दिया हुआ है 9,500, तो 500 से इंक्रीज हो गया, तो बाय फर्नीचर 500। ठीक है, तो सब एडजस्टमेंट हो गया, हमने कर दिया, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया कैपिटल बैंक का, फिर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर को, उसके बाद कैपिटल लाया, तो कैश या बैंक टू कैलाश, बैंक के अंदर टू कैलाश, कैलाश के अंदर बाय बैंक लिखा, फिर गुडविल लाया, तो गुडविल की दो एंट्री होती है बैंक टू गुडविल, तो बैंक के अंदर टू गुडविल, गुडविल के अंदर बाय बैंक लिखा, उसके बाद है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल के अंदर ओल्ड पार्टनर लिखा, रेशो सेक्रीफाइस रेशो नहीं था तो ओल्ड रेशो में डिवाइड किया, ओल्ड रेशो है इक्वल, फिर जैसा एडजस्टमेंट बोलता गया, अगर प्रॉफिट था, इनकम था, गेन था तो राइट हैंड साइड में, और लॉस था, एक्सपेंस था तो डेबिट साइड में। अब सब एडजस्टमेंट हो गया, तो अब आपको टोटल मारना है, क्लोज करना है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे, यहाँ पे 3 and 1 4 4 and 1 कितना हो गया 5,000 और ये 6 और 5 तो 6,500 है, 6,500। तो हमको यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब गेन इज मोर, तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और ये जो है ओल्ड पार्टनर का है रमेश, पहला सुरेश है और दूसरा है रमेश, अब 6,500 में से 5,000 गया, 1,500 डिफरेंस आ गया, अब हमारा रेशो क्या है 1:1 है, मतलब इक्वल ही है, तो 750 इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अभी कहाँ गया सुरेश और रमेश को, ये डेबिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट 750। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटल मारेंगे, फिफ्टी फोर
50,000 plus 4,500 plus 6,000 plus 750. So 61,250 उसमें से माइनस कर देंगे 6,000, क्या आ गया 55,250, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अब इसको देखो 24,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 प्लस 750, ये हो गया 35,250, उसमें से 6,000 गया, ये आ गया 29,250, ये 30,000 ही है, तो बैलेंस 30,000 आया, ये बैलेंस है क्लोजिंग। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे लायबिलिटी साइड, कैपिटल सुरेश का आया 55,250, रमेश का है 29,250 और कैलाश का है 30,000। फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी प्लस 29,250 प्लस 30,000, ये हो गया 1,14,500। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर आ गया। अब इसको क्लोज करेंगे बैंक अकाउंट को, और इसमें देखो 33,312 साइड बड़ा है, 33,900 प्लस 30,000 प्लस 12,000, ये हो गया 75,900, उसमें से 12,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 63,900। यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस, असेट्स में आएगा बैंक अकाउंट 63,900। ठीक है, गुडविल अकाउंट तो रिटेन कैश है, इससे टैली हो गया है, और इस बैलेंस शीट को आपको कंप्लीट करना है पुराने बैलेंस शीट को सामने रख के। तो सबसे पहले लायबिलिटी में देखो, कैपिटल तो नया कैपिटल आ गया है, उसके बाद में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, दोनों के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो एज इट इज़ इसको लिख देंगे, और रिजर्व फंड ऑलरेडी हमने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्रेडिटर्स 57,000, बिल्स पेबल 20,000। ठीक है, असेट्स में सबसे पहला है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 30,000, और बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था इसलिए ऐड एप्रिसिएट 6,000, ये हो गया 36,000। उसके बाद मशीनरी है, टेन थाउजेंड दिया है, और मशीनरी क्या होता है, डेप्रिसिएट हुआ था, रिड्यूस हुआ था 1,000 से, ये हो गया आपका 9,000। उसके बाद दिया है फर्नीचर, फर्नीचर दिया है 9,500, और फर्नीचर एप्रिसिएट हुआ है तो ऐड एप्रिसिएट 500, ये हो गया आपका 10,000। अब है डेटर्स,
का अमाउंट है 40,000। अब यहाँ पे जो आरडीडी माइनस होगा वो नया आरडीडी, तो नया आरडीडी कितना है 2,000 है, तो यहाँ पे 2,000, या ऐसा बोल सकते हैं कि पुराना 1,000 था और नया 1,000 आया, तो ऐसा 2,000 पे हो गया 38,000। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 30,000, स्टॉक 3,000 से रिड्यूस हो गया था, इसको आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, रिड्यूस भी लिख सकते हैं 3,000। ये हो गया आपका 27,000। अब बिल्स रिसीवेबल है 7,600, बिल्स रिसीवेबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए एज इट इज हम लोग लिख देंगे 7,600। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बैंक अकाउंट 33,900 था जो पुराना बैंक अकाउंट था, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर ओपनिंग में लिख दिया है। अब क्लोजिंग जो था यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि ये बैलेंस शीट जो है वो आफ्टर एडमिशन है, तो हमको जो भी है सब आफ्टर एडमिशन ही चाहिए। तो हमारा सब कुछ हो गया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो अब टैली करना है कि असेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल आपका टैली होना चाहिए, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, कितना टोटल आता है देखते हैं। $1,14,500, $57,000, $20,000, ये हो रहा है 1,91,500, ठीक है 1,91,500। अब यहाँ देखते हैं 63,900, 36,000, 9,000, 10,000, 38,000, 27,000, 7,600, तो 1,91,500, तो 1,91,500 पे टैली हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा सबसे सिंपल मेथड में हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम और एक सम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो भी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है एट द मोस्ट ख़त्म हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट सम ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगेन इन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखते हैं यहाँ पे रोहित एंड पुरोहित, रोहित एंड पुरोहित वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:3, 1:3। तो 2:3, 1:3 मीन्स 2:1, 2:1 मतलब 3:3 कट हो गया, 2:1। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, कैपिटल ऑफ रोहित एंड पुरोहित है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स और रोहित्स लोन है, बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स लेस आरडीडी फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट और कैश है, तो कैश अकाउंट बनाएंगे हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2012, यहाँ पे 31 मार्च 2012 को ओल्ड बैलेंस शीट दिया है। उसके बाद 1 अप्रैल 2012 पंडित इज एडमिटेड, तो पंडित क्या हो गया न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पंडित शुड ब्रिंग 24,000 एज कैपिटल एंड फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल अकाउंट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 9,000, तो यहाँ पर हम लोग गुडविल अकाउंट इज रेज्ड करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद है बिल्डिंग इज रीवैल्यूड 56,000,
और यहाँ पे बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 50,000, तो 50 का 56 तो हो गया, मतलब 6,000 से बिल्डिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इनकम टू द फर्म, वैल्यू ऑफ द स्टॉक भी रिड्यूस बाय 3,000, तो 3,000 से डाउन हो गया, तो लॉस हो गया। फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एट 900 ओनली, कितना था 1500, अभी कितना हो गया 900, इसका मतलब 600 से डाउन हो गया, तो दैट इज इनकम टू द फर्म। कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट इन कैश, मुझे कैपिटल को कैलकुलेट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इस समय मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। Prepare the profit loss adjustment account and balance sheet of the new firm. ठीक है, तो इस सम को हमने रीड किया, अब इस सम को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेजर अकाउंट बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2012, दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। उसके बाद में बैंक अकाउंट दिया हुआ है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल में तीन पार्टनर है, रोहित, पुरोहित और उसके बाद में नया पार्टनर है पंडित, ठीक है, रोहित, पुरोहित, पंडित और गुडविल अकाउंट हमने बना दिया, ठीक है। तो जैसा हमको पता है कि हम लोग जब भी सम सॉल्व करते हैं तो तीन स्टेप दिमाग में लाते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बैंक का और कैपिटल का, अगर गुडविल का दिया होगा तो गुडविल का भी लिखेंगे। तो इसमें बैंक की जगह पे हमको कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, यहाँ पे हमने कैश लिख दिया। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 8,000 और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 48,000 और 32,000, तो यहाँ पे हम लोग कैश में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस है कैश का 8,000, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 48,000 और 32,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000 और 32,000, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ट्रांसफर द ओपनिंग बैलेंस। सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व फंड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, इस समय रेशो दिया है 2:1। तो हमारे पास जनरल रिजर्व है 9,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 3,000, तो बाय जनरल रिजर्व 9,000 है, 9,000 को 2:1 में, मतलब 9,000 इंटू 2/3, 2+1=3, तो 3 3 जा, तो 3,000 इंटू 2 6,000 हो गया, 9,000 1/3 तो कितना हो गया 3,000, क्या आ गया 6,000 और 3,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 3,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, तो 3,000 को 2:1 में करेंगे तो 2,000
और 1000, ठीक है। ये हो गया आपका दो स्टेप। तीसरा स्टेप है डू एज पर एडजस्टमेंट, जैसा ऐसा एडजस्टमेंट बोला है आपको करते जाना है। तो इसमें जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है, जैसा हमने रीड किया था, पंडित शुड ब्रिंग कैश 24,000, तो कैश लेके आ रहा है फॉर कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पंडित कैपिटल 24,000, तो कैश में जाके क्या लिखेंगे, टू पंडित कैपिटल, और पंडित कैपिटल लाके लिखेंगे बाय कैश, तो कैश में जाके लिखा टू पंडित कैपिटल 24,000, और पंडित कैपिटल में जाके लिखा बाय कैश अकाउंट 24,000, ठीक है। उसके बाद गुडविल अकाउंट इज रेज्ड 9,000। ये जब गुडविल रेज्ड होता है तो मैंने बताया था कि वी हैव टू पास ओनली वन जर्नल एंट्री, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है रोहित और टू पुरोहित, गुडविल है 9,000। 9,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 and 3,000, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तब गुडविल में जाके लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट रोहित पुरोहित 6,000 and 3,000, तो कितना हो गया 9,000, और कैपिटल में जाके लिखा बाय गुडविल 6,000 3,000। अब गुडविल अकाउंट को हम बंद कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, गुडविल अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,000 का, ये 9,000 कहाँ लिख देंगे, असेट साइड में गुडविल, ठीक है। तो जब भी गुडविल रेज्ड होगा तो आपको गुडविल अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो असेट साइड में लिखना होगा। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग इज रीवैल्यूड 56,000, और है कितना यहाँ पे 50,000, तो 6,000 से इंक्रीज हो गया और वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 3,000, तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू अप हो रही है बाय 6,000, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 6,000, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है टू स्टॉक अकाउंट 3,000, ठीक है। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1500 था, कितना हो गया 900, इसका मतलब 600 से डाउन हुआ, तो डाउट अगर आपका डाउन हो रहा है तो इनकम होगा, तो बाय आरडीडी अकाउंट 600, ठीक है। फिर बाद में कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट इन कैश अकाउंट। अब इसको कैसा करना है बताता हूँ, हमको क्या करना है, सबसे पहला न्यू रेशियो निकालना है, तो अब न्यू रेशियो हम कैसा निकालेंगे, तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्लिप में देखा था कि यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर है रोहित और पुरोहित, जिनका रेशियो है 2:3
1/3, 2/3, 1/3 और जो नया पार्टनर है पंडित उसका फ्यूचर शेयरिंग है 1/5। तो इसका मतलब 1/5 शेयर मुझे पंडित को देना है। तो अज्यूम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 रुपी है। अब उस 1 रुपीस में से हमने 1/5 किसको दे दिया, पंडित को। तो 1 में से 1/5 गया, तो 5 × 5 − 1 = 4/5। ओके, बैलेंस हुआ, मतलब 1 रुपीस में से 1/5 मैंने पंडित को दे दिया, तो बाकी का 4/5 में रोहित और पुरोहित लेंगे। ठीक है, रोहित और पुरोहित कितना लेंगे, 2/3 and 1/3। तो न्यू रेशो इक्वल टू बैलेंस इनटू ओल्ड रेशो। सबसे पहला रोहित, बैलेंस इनटू ओल्ड रेशो, बैलेंस है 4/5 और ओल्ड रेशो है 2/3। तो 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, तो 8/15। पुरोहित का 4/5 × 1/3, 4 × 1 = 4 और ये 15। तो 15 में से 8 रोहित को मिला, 15 में से 4 पंडित को मिला, तो 8 and 4 = 12। तो 15 में से 12 दोनों ले लिए, तो बच्चे कितने, 3। तो नया रेशो क्या होगा, 8:4:3। अगर चेक करना है तो कितना है, 3/15, तो ये कितना होता है, 1/5। इसका मतलब राइट है। तो दिस इज द न्यू रेशो, 8:4:3। अब न्यू रेशो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल ढूंढेंगे। तो जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट या कैपिटल ढूंढने के लिए बोलते हैं तो हमको न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो न्यू कैपिटल कैसा निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, हमारे पास न्यू शेयर है 1/5 और न्यू कैपिटल है 24,000, किसका, पंडित का। तो पंडित का न्यू शेयर और न्यू कैपिटल है। अभी हम लोगों ने रोहित और पुरोहित का न्यू रेशो निकाल दिया है, न्यू रेशो निकाल दिया है रोहित का और पुरोहित का। इसका निकाला हुआ है रोहित का 8/15 और इसका निकाला हुआ है पुरोहित का निकाला हुआ है 4/15। ठीक है, अब देखो ये है 1/5 न्यू शेयर न्यू कैपिटल। अब ये न्यू शेयर है तो न्यू कैपिटल कितना है, तो करेंगे 24,000 × बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8/15 × 24,000 और ए 1/5 यहाँ गया, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो गया, 5/1, 3/8 आ गया आपका 64,000। ठीक, इसका हो गया रोहित का न्यू कैपिटल। अब पुरोहित का देखते हैं, अगेन 1/5 है तो 24,000 है न्यू शेयर न्यू कैपिटल, तो न्यू शेयर में कितना होगा आपका न्यू कैपिटल, तो 4/15
इंटू 24,000 इंटू 1/5 का हो जाएगा 5/1, 8,000 क्या आ गया 32,000। पंडित का निकालने की जरूरत नहीं, पंडित का ऑलरेडी हमारे पास 24,000 है। तो आपका जो न्यू कैपिटल है 64,000, 32,000 एंड 24,000, तो उसका हम पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पर। टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 64,000, 32,000 एंड 24,000, 64, 32 एंड 24,000, ठीक है। अब एट द सेम टाइम इसका पोस्टिंग यहाँ कर देंगे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल ऑफ रोहित 64,000, पुरोहित 32,000, पंडित 24,000, 4,4,8,2,0,1 कैरी किया तो 7,10,12, 1,20,000। तो न्यू कैपिटल ऑल टुगेदर इज 1,20,000। तो ये आपका न्यू कैपिटल न्यू रेशो के हिसाब से आ गया। अब हम लोग टोटल मारेंगे, तो जैसे 6,600, 6,600 तो यहाँ पे आ गया 2। दिस इज द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, इस साइड आता तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देंगे, रोहित पुरोहित। अभी आया बैलेंस 3,600, 3,600 को 2:1 में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो 2+1=3 होता है, 3,600 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो होता है 1200। तो 1200 इंटू 2 2400, और 1200 इंटू 1 1200। इधर 2 है तो कैपिटल अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 2400 एंड 1200, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, अब यहाँ पर देखना है कौन सा साइड बड़ा है, 48, 54, 56, 56 एंड 6 किया तो 62, और ये हो गया 4,000 आ रहा है। तो 64,400 इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, जैसे 48,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 2,400, तो 64,400 तो यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, तो 64,000 माइनस करेंगे तो 6,400 आ गया। यहाँ पे 32,000, यहाँ पे 32 प्लस 3 35, 36, 36 एंड 3 39, 40,200, 40,200 में से 32,000 गया 8,200, और ये तो 24,000 24,000 पे टैली हो रहा है, ठीक है। ये जो 2 कैश आया तो कैश के अंदर इसकी पोस्टिंग कर देंगे बाय रोहित कैपिटल अकाउंट 400, बाय पुरोहित कैपिटल
8200, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे तो दिस इज 32 में से 8200 गया एंड द 400 गया तो हो गया 23400। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्रेडिट कहाँ जाएगा असेट्स में, तो कैश 23400, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे पुराने बैलेंस शीट का हेल्प लेते हुए। कैपिटल ऑलरेडी हमने लिख लिया है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट बायफरकेट हो गया है, क्रेडिटर्स और रोहित लोन है 40,000 और 13,000। तो क्रेडिटर्स 40,000 है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था यहाँ पर, तो एज इट इज लिख दिया। रोहित लोन कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एट एज इट इज लिख दिया 13,000। अब असेट्स में सबसे पहला बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया है 50,000 और देखो 6,000 से इंक्रीज हुआ था तो एड एप्रिसिएटेड 6,000, ये हो गया 56,000। फिर स्टॉक 42,000, स्टॉक रिड्यूस हुआ था 3,000 से तो लेस रिड्यूस 39,000। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 31,500 लेस आरडीडी, आरडीडी 1500 से हो गया था, हम लोगों ने देखा था 900, मतलब 6 जो नया है आरडीडी 900 है तो 31,500 माइनस 900 तो हो गया 30,600। मतलब आरडीडी 1500 था और टू बी मेंटेन 900 बोला है तो 600 जो डिफरेंस आया था हमने यहाँ पर लिखा था और न्यू आरडीडी मेंटेन करने बोला है 900। फर्नीचर है 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, एज इट इज लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट है 5,000 और कैश ऑलरेडी हमने नया निकाल लिया है, तो इस तरह से हमारा सब पोस्टिंग हो गया। अब इसको हम टैली करेंगे तो 120, 160, 173। अब यहाँ पे देखते हैं 9,000 प्लस 23,400 प्लस 56,000 39,000 30,600 10,000 एंड 5,000 173,000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सम सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।